कृषक अपने आप में गैर राजनीतिक संगठन है, इसमें सभी हमारे जितने सरकारी गैर सरकारी सभी लोग इसमें भाग लिए हैं, दलित ओबीसी माइनॉरिटी और हमारे राज्य की जो मुख्य मांगे हैं वो रिजर्वेशन इन प्रमोशन धीरे धीरे ओवर मेडिकल शेयर, धीरे धीरे जनरल पोस्ट पे नौ एससी एसटी ओबीसी अप्लाई नहीं कर सकता, ऐसे तमाम सरकारी कर्मचारी के लिए रिजर्वेशन में कोर्ट के माध्यम से ऐसे बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं जो जनरल कास्ट के सिस्टम के तहत उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे परिश्रम किसी सरकार का विरोध नहीं करता है, हमारी माने ये कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो प्रोटेक्ट होना चाहिए, और अगर हम सब इस तरह से इकट्ठा नहीं हुए, आपका जो मैसेज आ रहा है, आपका मैसेज पार्लियामेंट सेशन से लेकर पूरे देश का संसद और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक जाएगा कि हम अपने जो मांगे हैं उनको पूरी करवा के रहेंगे, और रिजर्वेशन इन प्रमोशन के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी आप अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं रोक सकता कोई भी सरकार, तो कम से कम प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए ना। अभी यह आप देख लीजिए धीरे धीरे ग्रुप सी ग्रुप डी में रिक्रूटमेंट बंद हो गया है, किसी तरह का कोई रिक्रूटमेंट नहीं होता, सारे लोग पूछते हैं आरक्षण मिल रहा है, तो सरकार कहती है कि आरक्षण मिल रहा है, कौन आरक्षण को छू सकता है, लेकिन आरक्षण को छू लिया ना, ग्रुप सी ग्रुप डी और प्राइवेटाइजेशन को लेके 70% से ज्यादा आरक्षण खत्म हो चुका है। आज हमारे आने वाली जनरेशन को उसी स्थिति में आ सकती है जैसी आदिकाल की स्थिति होती थी अगर हम जागरूक ना हुए तो, और अच्छा भी हो सकता है अगर हम सब इसी तरह से मिलके जागरूक अच्छा रहे तो। और हमारा मिशन का दूसरा सफाई काम के ठेकेदारी की बात है, ये संसद लेवल से पूरा होता है, और आपको उचित जी माननीय अध्यक्ष साहब ने इस मुद्दे को पार्लियामेंट लेवल से लेकर हर लेवल तक उठाने का आश्वासन दिया और होगा, और इसी के साथ क्योंकि वक्त और भी है मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी को जय भीम कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम।